जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा यार एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं। अपने पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया था कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। तो ये है कि वो प्रोजेक्ट आज एंड हो रहा है, उसका लास्ट डे है। तो मैं सोचा आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट दे दूँ। तो बस ये है कि मैं रेडी हो चुका हूँ और फिर निकलते हैं। बाकी आगे की बात फिर मैं या तो वहीं पे करूँगा या फिर आने के बाद करूँगा। तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले लूँगा, वो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा यार, ये था कि ऑफिस से मैं आ गया था और वहाँ पे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो मुझे जाते हुए ज़रा फील हुआ कि यार प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो जाएगा वहाँ का, तो इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया। वहाँ पे से मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं और वो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अभी मैं घर आया हूँ, आगे की बात मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, अभी की एक अपडेट और है। अभी इब्राहिम मेरे पास आ रहा है हनी के साथ, तो मैं बाहर जाऊँगा और कुछ खाने का प्रोग्राम है हमारा, तो मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा। इब्राहिम और रानी आ चुके हैं, मैं अभी बाहर ही जा रहा हूँ। इब्राहिम ने शादी का इरादा कर लिया है और ये हॉल बैंक्वेट वगैरह जो ऑनलाइन देख रहे हैं कौन सा सस्ते में मिला है कौन सा नहीं, ये इसको हेल्प आउट कर रहा है। क्या खाने इब्राहिम? मेरे को अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर क्या देख रहे? वो है ना, क्या है ये बंदा मुझे बंस रोड लेके आया है और यही पूरा टूर मुझे करा रहा है। इब्राहिम हाथ हिला दो। बंस रोड का मेरा पहला एक्सपीरियंस है बंस रोड का, और इब्राहिम के कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। होपफुली इन्जॉय करूँगा क्योंकि इसने सारी चीज़ें यहाँ की ट्राई की हुई है, खुद बता रहा है क्या चीज़ यहाँ की अच्छी है क्या नहीं है। तो यही मुझे लेके जाएगा बाकी। अब हम लोग जा रहे हैं, शायद ये बोल रहे हैं मगज़ खाने, जो कि वैसे ही खाते हैं, लेकिन आज ये बीफ का खाएगा। तो हम लोग आगा सच्ची जाएंगे, आगा सच्ची जाएंगे ब्रेन मसाला खाने, ये भी है साथ। वो फैमिली के साथ तो नहीं बैठ सकते यार, यहाँ फुल हुआ हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन देखेंगे। क्या सेकंड ऑप्शन क्या है भाई? या तो कढ़ाई है कैफे लजीज की, या हलीम है मजेदार हलीम का। अब देखते हैं क्या सीन है भाई, क्या खाएगा? नहीं कुछ नहीं, खा लेते हैं, जगह तो मिलते दो पहले भाई। मेरे जगह दिल में होनी चाहिए भाई, दिल में जगह होनी चाहिए, जगह तो अपने आप खुद बन जाती है। नीचे देख लो, नीचे देख लो जगह। इब्राहिम बना रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं? कैफे लजीज या कहाँ पे? इब्राहिम पहले मेरे दिल में जगह बना ले, फिर हमारे जगह बनेंगे दिल में उसकी जगह। कढ़ाई कर देगा आधे किलो चाहिए और दो सिंगल प्लेट ये मजेदार हलीम की। यार कैफे लजीज पे आए हैं इब्राहिम के कहने पे, यहाँ पे इसने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है और मजेदार हलीम बराबर में वहाँ से इसने हलीम भी ऑर्डर किया है। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ बैठ के खाएंगे। ये क्या खुश हो रहा है? कहाँ पे खड़ा है? टाइम्स स्क्वायर स्ट्रीट। टाइम्स स्क्वायर स्ट्रीट न्यूयॉर्क में खड़ा है ये। शुरू करो शुरू करो। एक और देखो प्लेट देना चाहिए ना। अच्छा चार तो रखते हैं यार, चार रख दो भाई। खाना पीना सब कुछ कर लिया, मज़ा आया है ना? पहले क्या है ऐसे पूछ रहा हूँ। अब निकलेंगे घर की तरफ। इतनी ठंड में भी खाना खाने के बाद इन लोगों को लिमका पीना है, तो ये लोग आए हुए हैं यहाँ 1 डिग्री पे और मैं ऐसे बैठा इन लोगों की शक्लें देखूंगा, क्योंकि ना मैं लिमका पीता हूँ ना इतनी ठंड में पीने का कोई इरादा है मेरा।
मैं घर आ चुका हूँ, इब्राहिम को ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद हनी ने मुझे ड्रॉप किया, वो अपने घर जा चुका है। तो ये मैंने सोचा ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँ, आप लोगों को अपडेट कर दूँ। और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, मज़ा आया, क्योंकि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बंस रोड, मुझे नहीं याद मैं लास्ट टाइम कब गया था, या गया भी था नहीं गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया, खाना भी अच्छा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा था। तो मैंने कहा अपने साथ शेयर करूँ। बिल्कुल, मैं तो इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।